हुकूमती वफद और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफद और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मामलात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि हुकूमती वफद और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। एहतशाम यूसुफ से मज़ीद जानेंगे। एहतशाम, मुलाकात हुई, राना सनाउल्ला कुछ और कह रहे हैं और ये अंदरूनी कहानी क्या है? जी देखिए, आज हुकूमती वफ की राना सनाउल्ला की क्यादत में सरदार अख्तर मेंगल से पार्लियामेंट लॉजिस में मुलाकात हुई। एक घंटे से ज्यादा ये मुलाकात जारी रही और इसमें हुकूमती वफ ने सरदार अख्तर मेंगल को अपना इस्तीफा वापस लेने पर कायल करने की कोशिश की। तहम हुकूमती वफ को इस मुलाकात में नाकामी का सामना करना पड़ा। अब ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है कि तमाम तरह जो मुशावरत है इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से को एतमाद में लेने का फैसला किया गया है और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के मसले पर जल्द ही पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों का इजलास बुलाएंगे और वज़ीर आज़म के साथ पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान की मुलाकात के दौरान बलोचिस्तान का मसला सर फहरिस्त होगा। अख्तर मेंगल भी इस मुलाकात में शरीक होंगे और अख्तर मेंगल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे और सरदार अख्तर मेंगल अपने जो तहफ़ुज़ात हैं बलोचिस्तान के हवाले से वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखेंगे, जिस पर इसके बाद वो अपने इस्तीफे के मुतालिक अपने फैसला करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम यूसुफ अपडेट करने के लिए। हुकूमती वफद और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफद और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मामलात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि हुकूमती वफद और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। एहतशाम यूसुफ से मज़ीद जानेंगे। एहतशाम, मुलाकात हुई, राना सनाउल्ला कुछ और कह रहे हैं और ये अंदरूनी कहानी क्या है? जी देखिए, आज हुकूमती वफ की राना सनाउल्ला की क्यादत में सरदार अख्तर मेंगल से पार्लियामेंट लॉजिस में मुलाकात हुई। एक घंटे से ज्यादा ये मुलाकात जारी रही और इसमें हुकूमती वफ ने सरदार अख्तर मेंगल को अपना इस्तीफा वापस लेने पर कायल करने की कोशिश की। तहम हुकूमती वफ को इस मुलाकात में नाकामी का सामना करना पड़ा। अब ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है कि तमाम तरह जो मुशावरत है इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से को एतमाद में लेने का फैसला किया गया है और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के मसले पर जल्द ही पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों का इजलास बुलाएंगे और वज़ीर आज़म के साथ पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान की मुलाकात के दौरान बलोचिस्तान का मसला सर फहरिस्त होगा। अख्तर मेंगल भी इस मुलाकात में शरीक होंगे और अख्तर मेंगल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे और सरदार अख्तर मेंगल अपने जो तहफ़ुज़ात हैं बलोचिस्तान के हवाले से वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखेंगे, जिस पर इसके बाद वो अपने इस्तीफे के मुतालिक अपने फैसला करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम यूसुफ अपडेट करने के लिए।